एसएसटी एक्ट के विरोध में बिहार में जगह जगह सवर्ण समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बेगूसराय, गया, बाढ़ जैसे जिलों में सड़कों पर उतरकर सवर्ण एससी/एसटी एक्ट में संसद के संशोधन को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह इस प्रदर्शन के उग्र और हिंसक होने की भी खबर आ रही है। लोग सड़कों पर पत्थरबाजी भी कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस को हालात संभालने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह सड़कों पर जाम लगाकर आगजनी भी की है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर इस दलित कानून और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बेगूसराय में ये प्रदर्शन भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच की तरफ से किया जा रहा है, जिन्होंने आज बिहार बंद का भी आह्वान किया था। शहर के कालिस्थान चौक, बीपी स्कूल चौक सहित कई जगह पर प्रदर्शनकारी सड़क पर जाम लगाकर विरोध जता रहे हैं। NH 28 और NH 31 को भी प्रदर्शनकारियों की तरफ से जाम कर दिया गया है। दूसरी तरफ गया में प्रदर्शन कर रहे सवर्णों के जाम को हटाने पहुंची पुलिस को इनकी नाराजगी का सामना करना पड़ा। पुलिस पर उग्र लोगों ने हमला कर दिया और पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। वहीं नालंदा में दलित कानून के विरोध में सवर्णों ने प्रदर्शन किया और माल नदा के NH 31 सहित कई सड़कों को जाम कर दिया। SST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए केंद्र सरकार इस मानसून सत्र में SST संशोधन विधेयक लेकर आई थी, जिसे बाद में वोटिंग के जरिए पास कर दिया गया। विधेयक पर वोटिंग के दौरान एक भी वोट उसके खिलाफ नहीं पड़ा था। सरकार ने विधेयक को पेश करते हुए कहा कि समाज के इस वर्ग को न्याय में हो रही देरी के निवारण के उद्देश्य से इसे लाया गया है। SST संशोधन विधेयक 2018 बिल के साथ ही SST एक्ट अपने पुराने मूल स्वरूप में आ गया। राज्यसभा में इस बिल के पास होने के बाद राष्ट्रपति ने भी इसे अपनी मंजूरी दी थी। SST एक्ट पर दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे में आरोपी के तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने SST एक्ट के तहत दर्ज मामलों में अग्रिम जमानत को भी मंजूरी दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आरोपी को तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, बल्कि गिरफ्तारी के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी को मंजूरी की भी अनिवार्यता कर दी थी और आदेश दिया था कि गैर सरकारी किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए SSP स्तर के अधिकारी की मंजूरी लेनी होगी। लेकिन अब SST एक्ट को वापिस अपनी स्थिति में लाया गया है। बहुजनों की बुलंद आवाज, आवाज इंडिया TV देखिए अपने मोबाइल पर कहीं भी कभी भी। आज ही आपके एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर से आवाज इंडिया TV का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया TV के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया TV देखें यूट्यूब पर भी। आप हमारे यूट्यूब पेज youtube.com/AawazIndiaTV पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया TV, बहुजनों की बुलंद आवाज़।